दोस्तों नई वाली NH जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई है, आप लोगों को पता है। बट फिर भी अगर हम देखें तो अपनी जो माइटी MT15 है भाई, वो अपने सेगमेंट की अभी भी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बाइक है। फिलहाल अभी भी इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। और NH में जो अपडेट आए हैं वो भी बहुत अच्छे अपडेट है, डाउट नहीं है यहाँ पे। लेकिन MT15 जो है अभी भी फिलहाल आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू NH 200। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले, किसके बारे में, अपनी ब्यूटीफुल MT15 के बारे में, जो कि इसमें आपको वीडियो में इस बाइक का सियान स्टोर्म कलर ऑप्शन दिखाने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, MT15 के बारे में जानना चाहते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं MT15 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑल कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि MT15 आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब आपको पता है कि MT15 का ये नया मॉडल है, नया मॉडल इन द सेंस 2.0 में एक नया मॉडल आपको देखने को मिला है, करेक्ट। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,68,400 रुपीज़, 1,68,400 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क हो जाता है। तो दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,03,000 2,03,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बाइक के फ्रंट के बारे में। फ्रंट में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बाइक में आप लोगों को सबसे पहले छोटी छोटी जो LED डियरल लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जिससे बाइक का लुक एंड डिज़ाइन आपको काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्रंट लाइट में। तो फ्रंट लाइट में आपको बाइक में सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जिससे बाइक का लुक भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। MT15 का फ्रंट फेस इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइट की जो इल्यूमिनेशन यानी कि जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में दोस्तों बाइक में आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, 37mm के USD फॉक्स सस्पेंशन आपको बाइक में मिलेंगे। भाई ये NS में बजाज दोनों ने काफ़ी पतले दे दिए हैं, इसमें आपको काफ़ी बेहतर सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हैं यामा की तरफ से। ब्रेकिंग में दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको बाइक में स्पेशल फीचर में अब फाइनली इन्होंने डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है। लास्ट टाइम तक बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता था, बट अब आपको MT15 में डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। और प्लेट साइज फ्रंट की 282 पहले की तरह 282 के आसपास की जो प्लेट है वो देखने को मिलेगी। बात करें टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 180/180 की जो टायर साइज है वो बाइक में यूज की गई है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब इंजन भी दोस्तों इस बाइक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, MT15 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। इसमें दोस्तों 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4 वोल्वो सिंगल सिलेंडर VVA टेक्नोलॉजी के साथ में जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों VVA टेक्नोलॉजी की वजह से इस बाइक की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाएगी। बात कर ले पावर एंड टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम पावर में MT15 18.4 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में ये बाइक अराउंड 14.1 के आसपास का जो निटन टॉर्क है वो जनरेट करती है। इट मीन्स आपको बाइक में पावर एंड जो टॉर्क है भाई वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप दूसरी बाइक से कंपेयर करें NS 200 से तो कम लगेगी आपको, बट परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, यही इसकी खास बात है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI आता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है, BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। साथ में आपको बाइक में दोस्तों स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, स्लीपर क्लच के साथ में भी ये बाइक आती है। एंड बाइक की बोर साइज़ 58mm की है, स्ट्रोक साइज़ 58.7mm के आसपास की देखने को मिलती है। एंड बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 यानी कि जो 6 गियर है वो भी आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। बस एक माइनस पॉइंट है कि इसमें आपको किक शिफ्टर नहीं मिलता। मुझे लगता है दोस्तों जो किक शिफ्टर है वो भी ये लोगों को दे देना चाहिए।
सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू यामाहा MT-15 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा, एक बहुत बेहतरीन सा जो इंजन है वो आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जो बाइक है ना 0-100 में लगभग 12 सेकंड के आसपास की लगाती है। टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलेगी एंड 0-100 में लगभग, मैंने आपको बता दिया, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, 40 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर ले इसके माइलेज के में माइलेज के बारे में, तो ये बाइक आपको अराउंड 40 के आसपास का जो माइलेज है इजीली निकाल कर दे देती है। अब आते हैं रियर की तरफ। टेल लाइट में बाइक में आपको काफ़ी प्यारी सी LED टेल लाइट देखने को मिलती है, लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। रियर में बाइक में आपको 140/70 के जो टायर साइज़ है वो आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। बात करें रियर ब्रेकिंग प्लेट के बारे में, तो रियर में आपको बाइक में 220 mm की जो डिस्प्लेट है वो आपको रियर में देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के टायर साइज के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया रियर में आपको सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में मिलेंगे। बात कर ले इस बाइक के अब दोस्तों स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर के मामले में MT-15 जो है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की की आपको मिलेगी स्पीडोमीटर में। दोस्तों बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको MT-15 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको फीचर काफ़ी सारे मिलेंगे, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, गियर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, गियर शिफ्ट लाइट, मोबाइल कनेक्टिविटी, इवन इस बार तो बाइक में आपको TCS सिस्टम यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी ने ऐड कर दिया है। तो फीचर के मामले में जो MT-15 है दोस्तों वो टॉप नॉच है। बात करें स्विचेस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्विच, लो बीम, हैवी टर्न, सिंगल है फॉर इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाएगा, मतलब सारे स्विच आपको मिल जाते हैं, एकदम बेसिक वाले हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। MT-15 की जो सीट हाइट है वो है अराउंड 810 mm की। आपके हेडरोन अगर 5.3 हो उससे ऊपर आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस है 1325 mm का, कर्व वेट अराउंड 141 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर का, 10 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। साथ में आपको बाइक में दोस्तों जो ओवरऑल विड्थ है वो 800 mm की मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू यामाहा MT-15 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आप लोगों को दोस्तों बाइक कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। मेरी नज़रों में MT-15 एक बेस्ट बीस्ट है। अगर आप लेने की सोचे तो जरूर आप इस बाइक को ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।